हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये HP का 1005 मॉडल है, लेजर जेट प्रिंट। तो इसको आज इसका वीडियो ये रहेगा कि इसका हेड जो है कि क्लीन करना आपको बताएंगे कि इसका अगर आपके प्रिंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंट क्लियर नहीं आ रही है, तो आप इसका हेड क्लीन कैसे कर सकते हैं, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे आप देख लीजिए रेडी मूड में। इसका थोड़ा सा ये इसमें बारिश की वजह से थोड़ा सा कट के आ रहा है। तो बाकी आपको दिखाते हैं कि इसको क्लीन कैसे करना है। तो सबसे पहले ओके बटन को प्रेस करना है। ओके बटन को देखिए प्रेस करने के बाद अब इस साइड के बटन को प्रेस करना है। अब देखिए ये आ गया सर्विस, सर्विस पे फिर ओके क्लीन क्लिक करना है। अब इस साइड के बटन से फिर वापस पुश करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आ गया क्लीन। तो इसको एक बार फिर से ओके करना है। और जैसे अभी ओके लिख रहा है, एक बार फिर से ऐसे ओके कर देते हैं। देखिए ये पेज लेगा, पेज जो है कि खींच लिया है, देख सकते हैं। अब आगे जो है कि पेज धीरे धीरे वो क्लीन करते हुए पेज की धीरे धीरे आएगा, देख सकते हैं पेज धीरे धीरे वो क्लीन करना जो है कि शुरू कर दिया है। तो क्लीन होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें जो है कि थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि पेज पूरा इस तरह से ही आएगा, स्लो आएगा। तो इस वीडियो बनाने का मतलब ये भी था कि बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है कि इसका हेड जो है कि क्लीन इस तरीके से कर सकते हैं विदाउट कंप्यूटर या लैपटॉप से अटैच किए। तो इसे पहले क्लीन होने देते हैं। और अगर आप इससे पहले जब भी प्रिंट कर रहे थे तो हो सकता है कि उसमें उतना क्लीन नहीं आ रहा होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो इस तरीके से इसका प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व हो जाएगी। और इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, बहुत ही आराम से और आसानी से इसे कर सकते हैं आप। तो सर जैसा कि देख सकते हैं ये क्लीन हो रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्लीन होते हुए पेज पूरा आएगा वापस। जब तक पूरा पेज नहीं आएगा बाहर तब तक ये समझिए क्लीन प्रोसेस पे है। और हमारी वीडियो ये आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर पुश करिएगा, क्योंकि हम अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पे हमेशा वीडियो कुछ ना कुछ डालते रहते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो अगर आप बेल आइकन को पुश कर लेंगे तो मैं हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाएगी। और जैसा कि ये हमारा क्लीन हो रहा है, क्लीन होने में इसको मान के कुछ समय लगेगा, ज़्यादा भी नहीं समय लगता, बहुत ही कम समय लगता है। मान के चलिए एक मिनट के आसपास, एक से डेढ़ मिनट के आसपास ये आपका लगेगा समय। और ऐसा क्या होता है कि अगर आपके प्रिंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी को बुलाएंगे इसको दिखाने के लिए या चेक कराने के लिए, तो या फिर आप इसे कहीं ले जाएंगे, या हो सकता है आपके आसपास ऐसा कोई ना हो कि जो रिपेयर करने वाला कोई हो तो आपको कहीं दूर ले जाना पड़ेगा रिपेयर के लिए, तो उसमें आपको काफ़ी समय भी लगेगा और हो सकता है आपके पैसे भी ज़्यादा लगें। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हेड क्लीनिंग के बारे में, आपको लग रहा है कि हमारा अच्छे से क्लीन नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले ये प्रोसेस कर लें। और फिर ना हो अगर इससे भी तभी जो है कि आके ले जाके दिखाएँ और इसे रिपेयर करवाएँ या जो भी हो सके वो तब करवाएँ, लेकिन सबसे पहले आप इतना कर लें, हो सकता है आपका इसी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे कि देखिए ये पूरा क्लीन हो गया है, जब आप क्लीन करेंगे तो पूरा इस तरीके से आएगा आपका। और उसके बाद आप जो है कि अपना प्रिंट करिए और चेक करिए। धन्यवाद, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।